जयंती राष्ट्रवादी पार्टी के सदर विजयंती से लेके मालेगांव शहर के कैलाश शाह साहब और तमाम ही यहाँ पर मौजूद विजयंती सेल के जिन लोगों को अभी मालेगांव शहर की बॉडी पर आप लोगों को पौधे का लेटर दिया गया है, ऐसे तमाम ही हमारे नौजवान साथी, मैं सबसे पहले मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज इखलाक शाह साहब ने आप तमाम ही लोगों को यहां पर विजय एंटी सेल राष्ट्रवादी पार्टी का अलग अलग पौधों से नवाजा, आपको लेटर दिया और आपको जिम्मेदारी दी। इखलाक शाह साहब जो हमारे अच्छे दोस्त तो है, एक अच्छी टीम वर्क है और पढ़े लिखे और सुलझे हुए नौजवान साथी हमारे, और मुझको ऐसा लगता है कि जब हमने थोड़ा परिवर्तन किया ये सेल के अंदर, पहले जाबिर शाह थे तो उनको ऊपर की बॉडी में लिया गया, बाकी और लोगों को उसके ऊपर की बॉडी में लिया गया और जिम्मेदारी इखलाक शाह साहब को हमने दी। और मुंबई में जो महाराष्ट्र के सदर है विजय एंटी सेल के, उनके हाथों से उनको लेटर हमने दिया। और मेरा अपना जो मकसद था कि इनको जिम्मेदारी क्यों देना, सिर्फ वो पौधा दे देना या आज आप लोगों को पौधा दिया गया, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ सियासत करने के लिए पौधा दे रहे हैं। सियासत करने के लिए तो बहुत प्लेटफार्मों में, बहुत प्लेटफार्म है शहर के अंदर, बहुत सारे मसाइल है उसके ऊपर हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मकसद एक था कि जो शाह छप्पर बंद जो विजय एंटी के अंदर जो आते हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो तकलीफ का सामना आज करना पड़ रहा है सर्टिफिकेट वैलिडिटी के लिए, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो कानूनी दुश्वारियां आ रही है, आपको पता है कि इनके वालिद इकबाल शाह साहब और ऐसे बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान शहर के और महाराष्ट्र के जलगांव के शेख रशीद साहब के साथ भी उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमको हासिल हुआ विजय एंटी का, लेकिन सरकार बदली और उसके बाद 2014 के बाद से ये मसला हमारे सामने ऐसा आकर खड़ा हुआ कि हमारे नौजवानों का जो तालीम हासिल करना चाहते उन लोगों को विजय एंटी का सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया। उसके बाद 5 साल मैंने असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ा कि सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन बहुत कानूनी मसाइल आए, सरकार बीजेपी की थी, उसके बावजूद भी हमने लड़ा। और जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की और शिवसेना की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जब आई 2019 में, तो उसके बाद दोबारा हमने काम को शुरू किया और अच्छे नतीजे आना शुरू हो चुके थे। लेकिन बहरहाल उसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हमारे लिए दुख की बात है कि सरकार हमारे हाथ से चली गई। उसके बावजूद भी मैंने इखलाक शाह साहब को 3 दिन पहले बात मैंने उनको बोला यहीं पर बैठकर कि आप अखबार के अंदर दो और बिरादरी के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि जो भी नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो तालीम हासिल करना चाहता है, आज उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है, वैलिडिटी करने की जरूरत है, और जहां पर भी मामला अगर रुक रहा है, कोई कानूनी दुश्वारी आ रही है, तो आप ऐसे लोगों को आप तक बुलाइए और आप वो मसला लेकर मेरे पास आइए। मैंने वादा किया हूं कि चाहे प्रांत ऑफिस का मामला हो, चाहे वैलिडिटी के लिए नासिक जाना पड़े या धुलिया जाना पड़े या जलगांव जाना पड़े या जहां पर भी हम लोगों को जाना पड़े और वैलिडिटी हासिल करना पड़े,
उसके लिए मैंने कहा उनसे कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप प्रेस नोट दो और सब लोगों को मैसेज दीजिए, ठीक है। कानूनी दुश्वारी है, उसके बावजूद भी देर सवेर हो सकता है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। ये फैसला हमने किया है और यही मकसद है आज जो आप लोगों को जो ओहदा दिया गया कि शेख आसिफ हो या इकरार भाइयों या आप तमाम ही लोग, अकेले हम दो या तीन चार लोग हम नहीं कर सकते, आप अलग अलग इलाके के लोग, बिरादरी पूरे शहर में, आप इस फील्ड के अंदर काम करिए, ये सामाजिक काम है, ये सियासी नहीं। अगर तुम किसी बच्चे को या बच्ची का अगर मसला हल कर दोगे, सर्टिफिकेट का हो, वैलिडिटी का हो, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं बच्चा अगर नौकरी पे लगेगा तो जरूर आपको धुआं देगा और समाज के अंदर जब वो तरक्की करेगा तो समाज तरक्की करेगा। इसके लिए ये काम को आप लोगों को और हम सबको मिलकर अंजाम देना है, ये जिम्मेदारी आज आप आज से इसको अपने जुम्मे ले, मैं इसे अपील आप लोगों से करता हूं और मैं हर वक्त आप लोगों के साथ साना बसाना खड़ा हूं। और इसके साथ साथ सियासत भी हम इसलिए पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं कि एक पार्टी एक ताकत होती है, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक ताकत है, ठीक है। सरकार गई लेकिन आज अपोजिशन के अंदर अगर भाजपा का कोई मुकाबला करेगा तो असेंबली हाउस के अंदर बैठ के राष्ट्रवादी पार्टी करेगी, और जहां पे मसला अगर नहीं हल हो पा रहा है तो आज भी अजीत दादा पवार साहब अपोजिशन लीडर है महाराष्ट्र के, आज वो फोन कर सकते हैं कि ये मैं इनको भेज रहा हूं मसला हल करो। इतना दबदबा सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी अजीत दादा पवार साहब राष्ट्रवादी की लीडरान का है, तो इसके लिए हम लोगों को ये काम अंजाम देना है, इसमें कोई सियासत नहीं करना है। हो सकता है कि हमारा और हम समाज के अंदर ऐसे लोग भी कि जिन लोगों का हमारा मिजाज नहीं जमता पार्टी लेवल के ऊपर, मैं मानता हूं ये बात, सब लोग एक जगह रहेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर वो उनका काम है तो उनको ये बोलिए कि ठीक है सियासत इलेक्शन आएंगे जब करेंगे, आज मसला अगर हल हो सकता है तो चल हमारे साथ आज हम मसला हल करेंगे, उसके लिए भी अपनी तैयारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारी पार्टी के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं तो उसका काम नहीं करो, ऐसा हमको नहीं करना है। हमारे साथ नहीं भी है, हमारी पार्टी में नहीं भी है तो उसका भी काम हम लोगों को करना है, ये बात आप लोग नोट कर ले। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करीब है शुरू होने वाले, उसके लिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी अपने अपने इलाकों के अंदर लेना पड़ेगी। अगर पार्टी यहाँ पर मजबूत रहेगी तो मसाइल हल होंगे, चाहे शहर के हो, मोहल्ले के हो, समाज के हो, सब मसाइल हम लोग हल कर सकते हैं। मैं ये अपील करता हूँ और मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लेते, मुझे एक जगह और जाना है, उनकी शादियों में भी और एक जगह मेरी मीटिंग भी है, इसके लिए मैं मेरी बात यहीं खत्म करता हूँ। आपको दोबारा मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आली जनाब आसिफ शेख साहब की तरफ से और विजय एंटी सेल की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेके कौम और समाज के काम करने के लिए आ गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।